36 डी आइडल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 22 के स्टार्टिंग में हमें रूही दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है लेन जिया जिया क्या तुम फाइनली मेरी फीलिंग समझ सकती हो। और फिर हमें लेन दिखाई जाती है जो कि अपने बाल ऊपर करके बोलती है हम्म। और फिर लेन बोलती है मेरे पीछे जो अंडरवेयर है उसकी बैक के बटन अटक गई है, मास्टर रूही प्लीज मेरी मदद करिए, क्या आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना रूही दिखाया जाता है और वो बोलता है दैट्स इट, और उसको अपने दिल पे चोट लग जाती है क्योंकि उसने एक सवाल पूछा और उसने अपनी लेन ने उसका जवाब नहीं दिया, भाई दिस इज अनफेयर। और फिर रूही बोलता है ओके और उसका बटन बंद करने लगता है। और फिर अपनी लेन बोलती है ग्रेट थैंक यू मास्टर रूही। और फिर हमें रूही दिखाया था जो कि बोल रहा होता है तो तुम मेरे रूम में इतनी सुबह सुबह इस ड्रेस में आई हो ताकि मैं तुम्हारे बटन अंडू करने में मदद कर सकूं। और फिर हमें दिखाया था लेन बोलती है या तुम क्या सोच रहे थे। और फिर अपना जो रूही होता है वो थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है और क्यूट बनने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है तो तुमने कहा तुम पूरी रात सोच रही थी और तुमने फिगर आउट कर लिया कि तुम मुझसे। और अपना रूही इतना बोल ही रहा होता है कि तभी अपनी लेन जो है वो बोलना चालू कर देती है और वो बोलती है मैंने पूरी रात सोचा और मैंने फिगर आउट कर लिया कि कैसे सेक्सी पैजामास बनाते हैं, तो मैं इधर आई और आपसे मदद मांगी कि आप मेरा बटन अंडू कर दो। और अपना जो रूही होता है वो थोड़ा सा उदास हो गया बोलता आई सी। और फिर सीन कट होता है हमें स्कूल दिखाया था और अपना रूही सोच रहा होता है तो उसको मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर हमें लिन और रूही दोनों दिखाया जाता है, लिन के बगल में उसके दोस्त होते हैं और एक दोस्त बोल रही होती है लिन जिया जिया क्या तुम सच में डिजाइनर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो जो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और फिर लिन इसका जवाब देती है और बोलती है हाँ अगर मैं जीत गई तो वो लोग मुझे स्पॉन्सर करेंगे फ्रांस में पढ़ने के लिए। और फिर उसकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है तुम फ्रांस में पढ़ोगे कितनी अच्छी बात है तुम अपना पूरा बेस्ट देना। और तभी बगल से आवाज आ जाता है लिन जिया जिया। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था तुम भी सिलेक्ट हो जाओगी इट्स ट्रूली अ स्मॉल वर्ल्ड। और फिर अपनी लिन बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलती है जे मेली तुम भी। और फिर वो मेली बोलता है दैट्स राइट मैं भी डिजाइनर कॉम्पिटिशन में सेलेक्टेड हूँ मैं तुमसे नहीं हारने वाला। और फिर सीन चेंज होता है हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है और हमें बिल्डिंग्स दिखाए जाते हैं और फिर हमें लिन और रूही दिखाए जाते हैं और लिन गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे भी सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर लिन बोलती है मुझे जल्दी से अपना फर्स्ट डिजाइन कम्प्लीट करना पड़ेगा मुझे उससे नहीं हारना। वो लड़की है मुझे तो डाउट। और फिर अपना रूही पूछता है ये मेली कौन है। और फिर लिन बोलती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे मिडिल स्कूल में और उसे एक लड़का पसंद था मगर सडनली उस लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया और तब से। और फिर रूही बोलता है अच्छा। और फिर लिन बोलती है कि वो भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही है और मुझे पता है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है मुझे उससे नहीं आ रहा मुझे फ्रांस जाना ही है। और फिर अपना रूही हेजिटेशन के साथ बोलता है एक्चुअली क्या तुम नहीं जाओगी। और फिर लिन हैरानी के साथ बोलती है मास्टर क्या आप भी चाहते हो कि मैं नहीं जीतूं और आप मुझे उससे नीचे देखना चाहते हो क्या आप सच में सोचते हो कि मैं उससे हार जाऊंगी। और फिर अपना रूही लिन का हाथ पकड़ खींचता है और फिर लिन बोलती है मास्टर रूही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना रूही जो है लिन को दीवार में सटा देता है और बोलता है क्या सच में फ्रांस जाना मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए मेरे तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है क्या। और फिर अपना रूही लिन को किस कर लेता है और लिन बोल रही होती है मास्टर रूही नो भाई आखिरकार ये सीन आ ही गया कब से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे भाई कब करेगा। वैसे तो हमको पहले से पता था कि हाँ होने वाला है बट फिर भी जो है अभी देखने में बड़ा मजा आ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों ब्लश करने लगते हैं और लिन सबसे ज्यादा ब्लश कर रही होगी शायद और वो बोलती है मास्टर रूही। और फिर रूही बोलता है लिन जिया जिया आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा इम्पल्सिव था। और फिर लिन रूही के गर्दन पे हाथ रख के बोलती है मास्टर रूही एक्चुअली मैं भी आपको छोड़ना नहीं चाहती मगर मेरे पास ये एक ही मौका है जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। और फिर अपना रूही बोलने लगता है ठीक है मैं समझ गया और लिन का हाथ हटाने लगता है अपने गाल पर से और वो वहां से जाने लगता है और बोलता है बहुत रात हो गई है गुड नाइट। ये रूही बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं लग रहा। और फिर लिन जो होती है उसकी दिल में रूही के लिए फीलिंग्स है और वो बोलती है मास्टर रूही। और फिर सीन कट होता है और हमें स्कूल दिखाया जाता है और भाई एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा है।
और फिर हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं और ये शायद वो बिल्डिंग का सीन है और मतलब बैक स्टेज का सीन है और कोई बोल रहा होता है मेकअप आर्टिस्ट जल्दी आओ जल्दी से हेल्प करो और हमें लिन दिखाई जाती है और उसके बगल में एक आदमी और जो भी है भाई जो भी है वो खड़ा रहता है और वो पूछ रहा होता है तुम्हें किस टाइप का मेकअप चाहिए और फिर हमें दिखाया जाता है लिन के ऊपर मेकअप हो रहा होता है और तभी कोई दरवाजे के पास खड़ा एक आदमी बोल रहा होता है 5 मिनट में स्टेज के ऊपर जाना है डिजाइनर्स मॉडल्स को हेल्प करो उनके क्लोथ चेंज करने में ऑडियंस बाहर वेट कर रही है और फिर लिन खड़ी हो जाती है और बोलती है ठीक है मैं अभी चेंज करती हूँ और फिर लिन डिजाइनिंग रूम में जाके कपड़े चेंज करने लगती है और अपने मन में सोचती है मास्टर रुई मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ अगर आप मेरे साथ होते तो और तभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपने लिन जिया जिया जो है वो ड्रेस चेंज कर लेती और बोलती है मैंने चेंज कर लिया और फिर जब वो बाहर आती है तब वहाँ सब लोग उसको देख रहे होते हैं और बोलते लिन जिया जिया तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो और फिर हमें लिन जिया जिया दिखाई जाती है जो कि मतलब ये क्या मॉडलिंग है ये सब चीज है भाई फैशन डिजाइनिंग बोला मतलब नंगा करने नहीं बोला दिमाग खराब भाई अगर इसको फैशन डिजाइनिंग बोलते ना तो इससे अच्छा ना ही करो तो बहुत बेहतर है हम अपनी लिन जिया जिया को ऐसे नहीं देख सकते मुंह घुमा लो सब चलो चलो शाबाश अच्छे बच्चे और तभी कोई लिन को आवाज देता है लिन जिया जिया और फिर अपनी लिन जिया जिया सोचती है ये आवाज तो ये मास्टर रुई है और फिर अपना रुई जो है आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है लिन जिया जिया तुम किधर हो और वहाँ पे खड़े गार्ड रुई को रोक रहे होते और बोल रहे होते एक्सक्यूज मी ये स्टेज का डोर है यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है और एक बात होता है ये गार्ड जो है लड़के ही है ना कि लड़की बना दो ये लोग को भी और फिर अपनी लिन दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है मास्टर रुई आप सच में आ गए और फिर अपना रुई बोलता है लिन जिया जिया मैंने फिगर आउट कर लिया है मुझे तुम्हारे करियर और ड्रीम को सपोर्ट करना है लिन जिया जिया मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए और तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो अपना रुई बोल रहा था उप्स और वो अपने लिन के ऊपर गिर जाता है और भाई किसने कहाँ हाथ रखा और अपनी लिन पूछ रही होती है मास्टर रुई आप फिर से ऐसे क्यों हो और दोस्तों यहीं पे 36 डी आइडल हाउसकीपर का एपिसोड नंबर 22-23 खत्म हो जाता है और दोस्तों अगर आपको 36 डी आइडल हाउसकीपर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि अगर मैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन लाऊं तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन बड़े आराम से पहुंच जाए और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और भाई आगे क्या कांडा कांडी होने वाला कुछ पता नहीं बहुत बवाल शायद हो जाए ये भी देखते हैं तो दोस्तों बस आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय दो बार बोलिए।